बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए खास करके लेकर आया हूँ। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे जा। वाह यार मजा आ गया। अरे नहीं मेरे को नहीं जाना। अरे चलो आज अपने घर लेके जाऊंगा मैं तुम। क्या गिराया कैसे तुमने मुझे? क्या बोल रही है? ये सब फेक है यार। ठीक है फेक नहीं है ये। और मेरे से तो क्या कर रहा तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं मोहित अच्छा नंबर से वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ है जाह्नवी जी, और जाह्नवी जी आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज ये दो साल बाद, एक या दो साल ना, एक साल हाँ ठीक है, तो डेढ़ साल बाद ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाले, जो कि इनका रिलेशन था 4 साल का, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और इसी बीच कुछ बातें हो गई थी क्योंकि लड़के का शादी सेट हो रहा था और लड़का जॉब करने चाहता था, कुछ बीच इनका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, इनकी बातें बहुत कम हो गई थी। ठीक है तो आज जाह्नवी जी क्या बात है, आपने मुझे बताया मिलने आ रहा है, जो ही बात है एक बार मैंने कैमरा ऑन कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपने बोला था, तो आप बताओ क्या बात है? हमारा मतलब एक लड़का है, उसका नाम अमित है, तो मैं जब 11th क्लास में थी तब हम मिले थे। अच्छा। तो अभी हमारे रिलेशन को पूरा साढ़े चार हो गए हैं साल, तो अभी जस्ट एक ईयर से ऐसा गैप हो रखा था कि वो जा रखे थे बैंगलोर, तो जिसकी वजह से हमारा बात बहुत कम हो गया। बट अच्छा सडनली उनका मैसेज आया मेरे को कि मैं आ रहा हूँ मिलने, क्योंकि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है। अच्छा ये बताया था आपने कि उन्होंने आपको ये रोज डे प्रपोज विश किया। हाँ रोज डे प्रपोज, दैट्स वेरी गुड। हाँ तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी भेजे मेरे को, एंड फाइनली उन्होंने बोला कि अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। एक साल के गैप के बाद एक साल तक हमारी बिल्कुल बात बंद हो गई थी। बात बंद होने का रीजन क्या बताया था आपने? उनकी जॉब, उन्होंने बोला कि वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनका होता है सुबह 8 मतलब। और ये बात आपने बताया था कि आप लोग, आपने बात बंद किया था क्योंकि उसकी उनकी शादी सेट हो गई थी। हाँ उनकी एक्चुअली शादी सेट हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो मदर थी उन्होंने मेरे को कॉल करके डायरेक्ट बोला था कि तुम बात बात मत करना आज के बाद। अच्छा। क्योंकि उनकी मदर को मेरे बारे में पता था। तो ये चीज मतलब शादी उनकी नहीं हुई? नहीं उनकी शादी नहीं हुई, वही तो है, वो चले गए उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हम, मैंने शादी नहीं करी है। अच्छा। और उसके बाद हम कंटिन्यू अभी वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उन्होंने बोला कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने मिलने बुलाया उन्हें? हाँ जी वो आने वाले होंगे थोड़ी देर। कोई नहीं वो आ रहे हैं, आप उनसे बात करो, मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, ठीक है? आप लोग मोमेंट, और मैंने कैमरा लगा दिया, ठीक है? अच्छे से बात करो। जी ठीक। बहुत टाइम बाद, वन इयर्स। हाँ मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। मुझे भी यार बहुत, एक पूरा एक साल बाद हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद मिल रहे हो तुमसे, मेरे को देखने दो यार तुम्हें। अच्छा तो देखने दो, बहुत अच्छे लग रहे हो, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम सच्ची में आ गए यार। बस मेरा दिल कर रहा था यार, एक साल बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और तुमने एक साल तक क्या करा? एक साल तक तुम्हारा वेट किया। मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया एक साल तक। अच्छा मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार, हम लोग मिल गए एक साल में। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा यार, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा। मुझे तुम्हें पता है कि मैं कितना इंतजार कर रहा था बैठो कमन, तुम्हें पता है कि मैं रात और दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अरे यार मेरे को ना एक साल से मतलब बस मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने, मतलब एक साल का गैप। यार तुम काफी हेल्दी हो गई। अच्छा तो एक साल बाद मिलूंगी तो ऐसे ही होगा ना? बैठो। अरे मतलब बिलीव नहीं हो रहा मुझे। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे। अरे इतने साल बाद मिलो यार, अच्छे से देखने तो तुम मुझे, तुम्हें देख तो रहे हैं एक दूसरे को, देख ही तो रहे हैं एक साल बाद, माना क्या एक साल बाद। हाँ फिर भी बैठो इधर, पहले बैठो। हाँ, तुम बताओ मेरे को मतलब एक साल तक क्या किया, वेट किया मेरा तुमने? नहीं यार बस जॉब कर रहा था, जॉब एक साल पहले घर वालों के कहने पे, घर वाले मेरे से चाहते थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, तो अब सब सेटल हो गया। आप तो नहीं जाओगे ना, अब यही रहोगे ना? नहीं 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 अब तो नहीं जाना है मेरे को, अभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करना है, तुमसे शादी करनी है। मेरे को पता अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मतलब मेरे सामने सच्ची में आ गए यार। हां यार। और तुम सुनाओ,
गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरी से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची आंखें बंद करो पहले। क्यों? जल्दी से पहले बताओ क्यों? जल्दी से बंद करो। अच्छा ठीक, सरप्राइज है तुम्हारे। मिले सरप्राइज? हाँ। तुम आगे इससे बड़ा सरप्राइज क्या है मेरे लिए? हाँ, एक सरप्राइज और तुम्हारे लिए लेकर आया। Will you marry me? हो बताओ, मत करो। तुम जो प्रपोज कर रहे हो मेरे को? हाँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए खास करके लेकर आया हूँ। बताओ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था मेरा, बहुत मेरा ज़्यादा याद आ रही है। मैंने बहुत वेट किया तुम्हारा और इस अच्छा दिन का। तो कहीं चले घूमने फिर? मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम सच्चे में आ गए। मुझे खुद यकीन नहीं था। अरे इस पार्क में कहाँ सब देख, कोई नहीं है यार यहाँ पे। देख लेंगे सारे, कोई नहीं है। तुम अरे पब्लिक उधर है, फिर भी तुम पागल हो क्या? कोई नहीं है पार्क में। नहीं बैठा ना, नीचे करो थोड़ा हाथ आप। वाह यार मजा आ गया। तुम पागल हो, तुम सच्चे में मजा आ गया यार। इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं। मैं भी कब से, एक साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब हम मिलेंगे। और मैं और भी हम एक अरे नहीं यार, मेरे को नहीं जाना। अरे चलो आज अपने घर लेके जाऊंगा मैं तुम। क्या गिराया कैसे तुमने मुझे? एक मिनट रुको, इधर आओ। इधर इधर आओ, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना। नहीं नहीं, ये कौन है? कोई नहीं। तुमने मुझे ऐसे देख के गिराया कैसे? कौन है आप? कौन है? मैं कौन हूँ? मुझसे पूछ रहे हो? एक मिनट, कौन है यार ये? मैं नहीं जानता। तुमने मुझे गिराया कैसे यार? मैं नहीं जानता। तो ये बोल क्यों रहे? ये तुम्हारी शर्ट पकड़ रही है। आप कौन हो? मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं पहचान रहे कौन हो? नहीं, क्या हो गया? नशा वशा करके आए हो क्या तुम? अरे नहीं जानता यार मैं इसे। कौन है आप? कहां से आई हैं आप? तुम्हारी वाइफ? नहीं, मेरी कोई वाइफ नहीं है ये। यार मेरी शादी नहीं हुई। पागल हो गए हो क्या? हो गया तुम्हें? मैं वाइफ हूँ तुम्हारी? नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है। झूठ बोल रही है यार ये। एक मिनट, क्या कर रहे तुम? तो ऑफिस गए थे ना? कौन है आप? कहाँ से आई हैं? बहन जी, मैं एक मिनट पागल हूँ ठीक है? क्या दिखा रही है? अरे नहीं, क्या है, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? नहीं दिखानी नहीं है मैम, प्लीज। चलो यार, चलो ना यार, सुनो। मैं को मैं पागल हूँ? कहाँ से पागल दिख रही हूँ तुम्हें? अभी आप उसको कहाँ से पागल दिख रही हूँ? क्या बोल रही है यार? पता नहीं क्या क्या बोल रही है यार। इसकी बातों में मत आओ, इसकी बातों में मत आना। बीच में आके तुमसे लड़ाई करना ना। नहीं दिखाना यार, किसकी बातों में आ रही हो तुम? बातों में नहीं आ रही, वो बीच में आके बोल रही है हमारे बीच। वो पागल थोड़ी है। तुम्हें मेरी बातों, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे भरोसा है? इधर आओ आप। इधर आओ। तुम्हें मेरे पे भरोसा है? मुझे भरोसा है। तो फिर इसकी बातें क्यों सुन रही हो यार? ये पार्क में ऐसे ही घूमती फिर रही है, इसे नहीं पता? तुम अपनी बीवी को बीवी नहीं साबित कर रहे हो? छोड़ इसे, बीवी कह रही, बीवी छोड़ इसे, छोड़ छोड़ छोड़, जा जा यहाँ से, जाओ जाओ पहले से। छोड़ो तुम, ठीक है? इसे छोड़ो, हाथ छोड़ो इसका। क्या मतलब है हाथ? अरे करना क्या है? तुम इसे छोड़ो। इसका क्या करना है? तुम इसे छोड़ो। तो इसे क्या करना? क्या बोल रही है वो? क्या साबित करना चाहती है? बीवी हूँ मैं या पागल हूँ? अरे सब जगह साबित करती फिर रही है। क्या साबित? इसकी बातों में मत आओ यार। नहीं आ रही मैं उसकी बातों में, वो बोल क्या रही है? सुन तो लो, मेरे पे भरोसा है ना? मेरे पे विश्वास है ना? सुनो, मेरी से प्यार करती हूँ? हाँ करती हूँ, लेकिन इसकी बातों में क्यों आ रही है? सुनो, अगर मैं बातों में मत आना। मैं पागल हूँ ना, अभी साबित हो जाएगा। क्या साबित हो जाएगा? मैं साबित कर सकती हूँ मैं पागल हूँ या तुम्हारी बीवी हूँ। हमें साबित नहीं करवाना। मैं साबित करवाना करूं, मैं हाथ पीछे हटाऊं? अरे हमें साबित नहीं करवाना, मुझे करना है। क्यों नहीं करना तुम्हें? मैं पागल दिख रही हूँ?
हमें तो लग रही है साइको लग रही हूँ मैं लग रही है हा? पार्क में भी कई सारी जगहों से पूछ लिया किससे कहा अभी कितने जनों से पूछ कर आई है ना किससे पूछ के आई हूँ तो कोई बात नहीं एक बार छोड़ दो मैं पागल हूँ मैं खुद अपने आप को कहूंगी मैं पागल हूँ मैं एक बार पिक दिखा दूँ उसे हमें नहीं दिखानी तुम्हें देखनी है तुम्हें देखनी है यार एक बार सुन लो वो दिखा क्या रही है मैं मतलब तुम्हें देखनी है जाओ देखो चलो देखो ये हमारी शादी की है ठीक है और मैं प्रेग्नेंट हूँ अरे ये सब फेक है एक साल हो गया मेरी शादी को ठीक है क्या बोल रही है ये सब फेक है यार ठीक है फेक नहीं है ये झूठ बोल रही है उसके पास फोटोज है तुम्हारी शादी की अरे नहीं है यार झूठ बोल रही है ये झूठ देखो ये झूठ है अरे ये सब झूठ है क्या झूठ नहीं है कुछ भी ठीक है अरे ये सब झूठ है ये फेक है यार क्या फेक है बनते तुम्हें पता नहीं है आजकल के टाइम पे तो वो पूरे पार्क में तुम्हारे पास ही हुआ ये सब फेक फोटो बना रखे हैं इसने दूर हो इससे यार ये सब फेक बना रखे हैं समझा करा कर फोटो फेक है ना हां मेरे फेक में जो बच्चा पल्ला वो तो फेक नहीं है क्या बोल रही है प्रेग्नेंट है ये अरे यार कैसे पता चल जाएगा ये बच्चा मेरा है साबित नहीं कर रहे हो फोटो ये झूठ है ये फोटो में इसमें बच्चा कहां है ये फोटो में हो तो ना तुम फोटो में तुम ही हो कोई और नहीं है बोल रही इतनी देर से मुझे तुम पे भरोसा तो तुम्हें इसकी बातों में आ रही ठीक है तुम भी इसकी बातों में आ रही मैं उसकी बात उसने सबूत दिया वो सच बोल रही है इसकी बातों में आ रही हो अरे यार इसकी बातों में क्यों आ रही हो तुम मेरी बात सुनो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना मैं नहीं हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसने सारे सबूत दिखाए हैं क्या सबूत दिखाया है ये तो बन भी सकता है क्या अच्छा पूरे पार्क में फेक बन सकता है ना तुम्हारे साथ क्यों करेगी वो बीवी है तुम्हारी अरे पार्क में सबको मोबाइल दिखाती फिर रही है किसको दिखाया है मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों भड़का रही मैं नहीं हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैं पागल हूं मैं एक साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं पागलों की तरह तुम शादी करके आए हो अरे यार नहीं कर मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है यार नहीं कर कर आए सुनो मेरी बात तो सुनो यार नहीं बात सुनो हाँ आप कहाँ रहते हो आप अपने घर जाओ ठीक है मुझे इस इंसान की शक्ल देखनी है मेरे को नहीं यार ये तुम्हें भड़का रही है भड़का नहीं रही हो सच बोल रही है वो ये तुम्हें भड़का रही है फोन करने की जरूरत नहीं है यार तूने क्या करा क्या करा मैंने क्या करा तूने क्या करा मैंने मतलब मैं बीवी हूँ तुम्हारी ऐसे देख और मेरे से दोस्त क्या करा और मेरे से दोस्त क्या करा मेरे से तुमने शादी कर रखी थी सब कुछ खत्म करवा दिया तूने यार तुमने मुझसे तो शादी कर रखी थी बताओ वो एक साल से आगे क्या करूं मैं उससे प्यार करता था और मेरे से और ये बच्चा पल रहा है इसका क्या करूं शादी तो मुझसे करी थी ना शादी तो करी प्यार नहीं करता शादी तो मुझसे करी थी ना घर वालों के कहने से शादी करी थी तेरे से मैं तो क्यों करी थी जब तुम्हारा प्यार किसी और से था तो उनसे बात करते ना घर वालों के कहने पे शादी करी है मैंने तो उनको बता देना मैं किसी और से प्यार करता हूं मेरी गर्लफ्रेंड चली गई तो जिंदगी तो मेरी भी खराब होगी ना बता कैसे जीऊंगा मैं उसके बगैर मेरा क्या होगा जब तुम्हारा सब कुछ था तो डिवोर्स दे देते मुझे तो मुझे नहीं पता था ये मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान था करवाना जरूरी था ये बच्चे के लिए फिर क्यों करा आपने तो वो घर वालों के कहने पे करा मैंने तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती एक साथ दो दो बीवी वो मेरे से प्यार करती थी मैं उससे प्यार करता था अच्छा खासा हम दोनों का रिलेशन चल रहा था लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया तेरी वजह से क्या कर रही है तुम शांत हो जाओ मत रो बच्चे के लिए शांत हो मतलब मेरे से शादी कर ली तुमने मुझे खरीद लिया है क्या शांत हो जाओ किसी के भी साथ कुछ भी करोगे तुम क्या कर रहा था मैं यार अभी हमने तो बहुत अपने आप को खास समझता है ना वो रहेगी ना ये रहेगा डिवोर्स भी हो ठीक है
तेरे घर वालों को मैं पूछता हूं कि तू क्या कर रहा है यहां पे पार्क में, तू किसके साथ क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ देखा है अपने चाटों के बारे में। तुमसे तुमने खरीद लिया है क्या उसको? मेरे जिंदगी पकड़ो, तुम अंगूठी पकड़ो, अपनी अंगूठी अपने पास रखो। उसकी जिंदगी खराब कर दी, मेरी करने चले थे, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब नहीं शादी करनी तो क्यों करी? मैंने जबरदस्ती करी थी तुमसे, मत करते शादी, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? बच्चे का क्या करते, मैं तुमने कभी सोचा कुछ? जब भी तुम मुझे माफ कर दो, माफी मांगने के लायक हो तुम, माफी मांगने के। माफ कर दे यार, प्लीज, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। माफ कर दे यार, आगे भी तुम ऐसे ही करोगे, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी मुझे यार, माफ कर दे, नहीं चाहिए मुझे यार। तुम जैसे मेरे बारे में मत सोचो, बच्चों के लिए तो सोचते अपने, माफ कर दे यार। आप जो चाहते हो आप हो, ठीक है? आप मुझे, मेरी गलती है यार, ठीक है? और वीडियो मुझे माफ कर दे, आगे से कभी भी नहीं होगा। चल भाई, तुझे समझ में आएगा, तू बहुत अपने को हीरो समझता है, ठीक है?